So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ragini and you are watching Destiny Lifestyle. आज मैं आपके लिए पुराने तरीके से वीडियो बनाकर कुछ नया लेकर आई हूँ. So आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा. So ये वीडियो होने वाला है हेल्थ के ऊपर, जिसको देखकर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे एंड आप अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं. और चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं, देन इसके बाद मैं आपको इसके आगे की प्रोसीजर्स को भी दिखाऊंगी. तो आपको कहीं जाना नहीं, आपको वीडियो पर ही बने रहना है. देन मैं आगे जाती हूँ और आपको कुछ नया दिखाती हूँ. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हम अपने स्किन पर चाहे कितने भी मेकअप कर लें या फिर किसी रेमेडीज़ को अप्लाई कर लें या अपने हेयर के ऊपर हम कोई से भी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, चाहे रेमेडीज़ को चाहे केमिकल प्रोडक्ट्स को, जितने भी लीप अप होती कर ले, लेकिन हमें इसकी बेनिफिट्स उतनी अच्छी तो मिलती नहीं, 100% तो मिलती नहीं है. बट अब हमें 100% इसकी बेनिफिट्स मिलने वाली है, वो भी लगाने से नहीं, खाने से. सो मैं आपके लिए एक ऐसा बायोटिन सुपर पाउडर लेकर आई हूँ जो आप इसे अलग अलग वे पे ले सकते हैं और इसके बेनिफिट्स को आप समझ सकते हैं. देन आपको इससे लेने से काफ़ी ज़्यादा बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपकी बॉडी हेल्दी और ब्यूटीफुल होने वाली है. तो मैं इसके मेथड्स बता देती हूँ कि इसे हम किस तरह से रेडी करने वाले हैं. तो गाइस, यहाँ पर बायोटिन प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 3 तरह के आटे और मल्टीग्रेन सीड्स. सबसे पहले मैंने लिया सत्तू का आटा, और ये है रागी का आटा, और ये है गेहूं का आटा. इन सभी को मैंने सेम मेज़र पे लिया है 2.5 स्पून, और ये है मल्टीग्रेन सीड्स, जिसके साथ मैंने 10 काजू और 10 बादाम भी ऐड किए हैं. सॉरी, मैं उसका वीडियो नहीं डाल पाई. एंड अब इसे कर लेते हैं ड्राई रोस्ट, और इसके लिए मैंने लिया है घी, जो कि एक पैन पर 3 टेबल स्पून डाल लिया. और इसके बाद अब मैं डालने वाली हूँ गेहूं का आटा, जिसे मैं अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी. और इसे रोस्ट करने के बाद मैं एक एक करके दोनों आटे को और इन तीनों को मिलाकर मैं अच्छे से इसे रोस्ट करके, फिर मैंने जैसा कि इसे रोस्ट करने के लिए रख दिया है पैन पर, तो मैंने फ्लेम को काफ़ी ज़्यादा धीमा रखा है ताकि ये जले ना और इसका टेस्ट भी ख़राब ना हो. और इन सभी को मैं अच्छे से भून लेती हूँ. और इसके बाद मैं इस पर क्या क्या ऐड करती हूँ, आप मेरे इस वीडियो पर इसी तरीके से बने रहिए और आगे के प्रोसीजर को भी पूरे अच्छे तरीके से देखिए. तभी अगर आप यहाँ से स्किप करते हैं तो आप कुछ ना कुछ छोड़ ही देंगे और बाद में आपको बनाने में प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इसके प्रोसेसर्स को अच्छे तरीके से समझने भी मिले. अब मैं इस पर ऐड करने वाली हूँ सीड्स, और इन सीड्स को मैं 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऐड कर दूँगी तो इनकी जो क्वांटिटी है वो ऊपर नीचे इनबैलेंस हो सकती है. और इन सबको भी मैं रोस्ट करने के बाद अब मैं इन सभी को ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करने के बाद अब मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी ताकि जितने भी सीड्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए और ये इन सभी में एक अच्छा पाउडर फॉर्म बन जाए. और यहाँ पर मैंने इन सभी को मिलाकर ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद काफ़ी अच्छा फाइन पेस्ट बन गया है. और इसे मैं अब इस कांच के पॉट पे रखने वाली हूँ ताकि ये ख़राब मत हो, और मैं इसे 15 डेज के लिए अच्छे से स्टोर करके रख सकती हूँ. और ये बनकर अब रेडी हो चुका है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है. तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए. सो गाइस, आपने फर्स्ट मेथड तो देख ही लिया है, और ये है सेकंड मेथड, जिसके बारे में मैंने आगे की वीडियो पर बताया है. और यहाँ पर मैंने 1 ग्लास मिल्क लिया है, और इस पर मैं अब सीड्स ऐड कर लूँगी, और इसे मैं 8 to 10 आवर्स के लिए छोड़कर रख दूँगी ताकि अच्छे से भीग जाए. और इसके बाद मैं इसका अच्छा से एक स्मूदी बनाकर रेडी कर लूँगी ताकि ये इसे हम एवरीडे ले सकें. पर मैंने बायोटिन प्रोटीन पाउडर के लिए 2 मेथड बताए हैं, जिसमें कि आपकी जो बॉडी की तासीर है उसके हिसाब से आप इसे ले सकते हैं. अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा कफ, कोल्ड या फिर आपको जल्दी सर्दी लग जाती है तो आप इसे इस पाउडर फॉर्म पे ले सकते हैं, जिससे कि बॉडी आपके अंदर से हीट रहेगी और आपको इस पाउडर प्रोटीन पाउडर की बेनिफिट्स भी काफ़ी अच्छी मिलेगी. देन इसके बाद मैंने इसे सोक करने का बताया है, जो कि मिल्क पे है. आप इसे पानी पर भी सोक करके रख सकते हैं, एंड मिल्क पर डालने के बाद इसके जितने भी न्यूट्रिशंस बेनिफिट्स हैं वो मिल्क पर आ जाएंगे. देन इसके बाद मैं मिल्क को ग्राइंड कर लूँगी, और ये अच्छा सा एक स्मूदी बनकर रेडी हो जाएगा.
और ये वाला जो मेथड है वो है गरम गरम तासीर वाले के लिए, जो कि जिनकी बॉडी ज़्यादा हीट करती है और ज़्यादा वो लोग इस तरह के चीज़ ले नहीं सकते, तो उनके लिए मैंने इस तरह का मेथड बताया है ताकि वो भी इसे आसान तरीके से ले सकें और इसके बेनिफिट उन्हें भी काफ़ी अच्छे मिल सके। यहाँ पर मैंने आपके लिए दो तरह के मेथड्स तो दिखाई दी और इसके बारे में बताई दी, और इस पर मैंने 1 and 5 सीड्स यूज़ किए हैं, जिसपे है चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स, और एक है चिलकोज़ा, जो कि शायद ही आपको इसके बारे में पता होगा। वैसे मुझे इसके नाम तो अभी याद नहीं आ रहे हैं, बट इस पर 1 and 5 सीड्स मैंने यूज़ की है और मैंने इसे मीशो से ऑर्डर किया था, तो मुझे ईज़िली इससे लेने में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुई, तो मैं इसे ईज़िली ले सकी। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी, तो आप भी इसे आसानी से ले सकते हैं। तो इसे 15 डेज लेने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है और नेचुरल चीज़ हमारे बॉडी पर धीरे से इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि अगर हम लोग कोई मार्केट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है हमें ज़्यादा जल्दी देखने को मिलता है, बट जो हम इस तरह के जो होममेड चीज़ें बनाते हैं इसका जो प्रोसेसिंग है हमारे बॉडी पर होता है वो थोड़े से स्लो प्रोसेसिंग होता है, बट इसका बेनिफिट आपको 100% नेचुरली ही मिलता है, क्योंकि आप इसमें कोई से भी बाहर के और भी चीज़ें ऐड नहीं करी है, सब चीज़ यहाँ पर मैंने नेचुरली ही चीज़ें ऐड की है। और आई होप कि आप भी इसे ज़रूर बनाएंगे और आप इसे लेंगे भी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका अच्छा से मुझे फीडबैक भी ज़रूर देंगे। और इस पर जैसे कि मैंने सीड्स यूज़ करी है, तो सीड्स हमारे हेयर, नेल एंड स्किन के लिए कितना बेनिफिट देने वाला है ये तो आप सब जानते ही होंगे, पर किसी तरह कभी शुगर ऐड नहीं किया है, तो आपको अगर इस पर ऐड करना है तो आप इस पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ताकि इसका फ्लेवर और अच्छे से बढ़ सके। और आप इसे ईजली तरीके से ड्रिंक कर, आप इसका एक छोटा बैच बनाकर ही रेडी करिए जितना आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़े बैच बनाकर यूज़ करेंगे तो शायद कि आपको मे भी ठीक ना लगे। मैं इसलिए छोटा बैच बनाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि आप ज़्यादा इसे ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करेंगे और इसे कंटिन्यूसली थोड़ा फ्रेश तरीके से यूज़ करेंगे, तो आपको इसके रिज़ल्ट काफ़ी और अच्छे देखने को मिल सकते हैं। गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ताकि मैं आने वाले टाइम पर आपके लिए और भी इससे बेहतरीन वीडियो ला सकूँ और आपको इसके बेनिफिट्स, और चाहे स्किन, हेयर या फिर मैं जो छोटे मोटे ब्लॉग्स डालती हूँ उसे भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उस पर भी मैं कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स देती रहती हूँ। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।